शुगर में, डायबिटीज में क्या हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं? बहुत सारे अभिभावकों का ये प्रश्न है और बड़ा ही वाजिब है, बड़ा ही ये औरों के लिए भी मददगार होगा। हालांकि शुगर में आप कभी कभार शहद का प्रयोग कर सकते हैं, शहद की मनाही नहीं होती, लेकिन गुड़ की भी मनाही नहीं होती। गुड़ भी कभी कभार हल्का टुकड़ा खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी की मनाही होती है। हालांकि सफ़ेद चीनी भी वहीं से बनती है, उसी चीज़ से बनती है जिससे गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ जो है एक तरह से नेचुरल गिना गया है। और कभी कभार अगर आप आपकी शुगर आप बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो आप कभी कभार गुड़ का टुकड़ा मुँह में खाने के बाद डाल सकते हैं। छोटा सा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि आप उसको खा के बाद में डायबिटीज़ बढ़ा लें। हर चीज़ की अति एक्सेस हर चीज़ की नुकसान करती है, इसलिए अगर आप लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो शहद भी ले सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा शहद से जुड़ी हुई, कि शहद अगर आप लेने जा ही रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से शहद बनता है। जैसे अलग अलग फूलों से बनेगा शहद, जो अलग अलग फूलों पर बैठ के मक्खियाँ बनाती हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीफ्लोरा, यानी शहद के ऊपर लिखा होता है, बहुत सारी कंपनियों ने मार्क किया होता है, उसको अलग अलग फूलों से बनाया जाता है, तो मल्टीफ्लोरा शहद हो गया। फिर लीची का शहद आता है, लीची के फूलों पे, लीची के बागीचों में मक्खियाँ जो बैठती हैं वहाँ से जो शहद बनता है उसको लीची हनी बोल देते हैं। ऐसे ही एक हनी आता है, वो है नीम हनी। नीम के फूलों पे मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वहाँ से जो पराग निचोड़ती हैं उससे शहद बनाती हैं। हालांकि शहद में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीम का कहीं फ्लेवर आता है उसमें, नीम का थोड़ा सा खुशबू आती है उसमें। ये बहुत कम लोगों को पता है कि नीम शहद भी आता है। मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां इसका शहद बनाती हैं, ऑर्गेनिक इंडिया है या और एक दो कंपनियां हैं, जो कोई भी बनाती हैं उनको साधुवाद है, उनको मेरा प्रणाम है, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही हैं। नीम का शहद अगर आपको मिल जाए, हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है बाकी शहद से, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है शहद खाने का तो नीम का शहद आप खाइए, खूब खाइए, उसकी कोई मनाही नहीं होती शुगर पेशेंट के लिए। लेकिन फिर भी नीम हर चीज़ में शहद नहीं डल सकता, इसलिए अगर आपको मीठा खाना ही है तो कई लोग बहुत सारी मीठे की जो गोलियाँ आती हैं शुगर फ्री की वो डालते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को, जोड़ों को ख़राब करती हैं। एक तुलसी होती है, उसको बोलते हैं मीठी तुलसी, या उसको बोल देते हैं मधुपत्रम, या उसको हम स्टीविया कह देते हैं। आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना स्टीविया। स्टीविया एक ऐसी पत्तियां हैं, एक ऐसी बूटी है, ये तुलसी ही है एक तरह की। ये चीनी की तरह ही मीठी होती है, हालांकि चीनी से ये 25 गुना मीठी होती है। एक पत्ता कहीं आप मुँह में डालें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 10 चम्मच चीनी डाल दी मुँह में। तो आप इसकी पत्तियों को भी तोड़ के चाय बनाने में उबाल सकते हैं। घर में पौधा लगा लीजिए स्टीविया का, हमने भी लगा रखा है अपने यहाँ पर स्टीविया। तो आप स्टीविया का घर अगर पौधा नहीं मिलता है कहीं किसी किसी शहर में किसी किसी इलाके में, तो आप इसका पाउडर आता है, हालांकि पाउडर और पत्तियाँ इसकी जो होती हैं थोड़ी कड़वाहट छोड़ देती हैं, ये खाने के बाद लास्ट में थोड़ी कड़वाहट आती ही है उनकी। तो आप चाहें तो इसकी सैशे मिलते हैं बाज़ार में, अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं, और ज़िंदगी कंपनी की सैशे मुझे बहुत पसंद है। मैं उनकी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ना ही मैं उनका कोई कंपनी का सामान बेच रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी अपने लोग पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको भी बताता हूँ। उनको उसमें कड़वाहट नहीं होती, उसके ड्रॉप्स भी आती हैं। आप कभी खीर बना रहे हैं, कोई मिठाई बना रहे हैं, तो आप आखिर में लास्ट पे जब बनने को ऑलमोस्ट तैयार है तो आप उसमें वो थोड़ी बूंदे डाल दें या वो एक पाउच दो पाउच डाल दें तो वो मिठाई मीठी भी हो जाएगी और उसमें कैलोरीज भी नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी होती है। फिर हड्डियों के लिए सेफ है, शरीर के लिए सेफ है, उल्टा वो शुगर को ठीक करने में मदद करता है स्टीविया। ऐसे आप जो सफ़ेद चीनी से बचिए, और जो मीठे के विकल्प हैं जैसे आप कई लोग गन्ने का रस है या ये सब चीज़ें लेते हैं, इनको परहेज़ करिए। हालांकि फ्रूट्स में जितनी शुगर होती है, गन्ने का रस छोड़ के बाकी सब फ्रूट्स, आम कभी कभी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कभी कभी फ्रूट्स की शुगर तुरंत पचती है, शहद की भी तुरंत पचती है, लेकिन जो दूसरी है मीठी चीनी है ये कभी नहीं पचती है। इसलिए चीनी को छोड़ के बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ऐड करिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कि अगली वीडियो में, अगले सेशन में मैं फिर आपके पास आऊँगा, आपसे रूबरू होऊंगा, कुछ नया, कोई नई जानकारी योग से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से, हमारी ऋषियों की पावनी परंपरा से, हमारे आर्ष ग्रंथों से, कुछ ज्ञान ऐसा या कुछ है मेरा अनुभव, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब जानकारियाँ लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सबके शुभकामनाएँ आप सबके लिए, और आप सबके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता रहूँगा। मेरे मन से दुआएं हैं आपके लिए, आज इतना ही, नमस्कार।